वाट्सअप माई फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वन अदर सर्वाइवल एपिसोड ऑफ क्राफ्ट 4. सो so क्या जैसे कि तुम लोगों को याद होगा लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने अपनाया था अपना बहुत मस्त सा क्रीपर फार्म या फिर गन पाउडर फार्म कह सकते हो एंड उससे अच्छे खासे गन पाउडर में मिल भी जाते हैं सो so, आज की साल वीडियो में मैं जाने वाला हूँ इस एक्सप्लोरेशन के लिए कि भाई मैंने काफ़ी दिनों से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ बट क्या मैंने अभी तक अपने एरिया को जहाँ मैं रह रहा हूँ उसे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है तो आज मैं वहीं जाने वाला हूँ उसके लिए मुझे कुछ प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी पहले मैं आप लोग को अपने फार्म्स दिखाया था पहले क्रीपर फार्म काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड मेरे को भी ऐसे क्यों लगा कि ठंडर स्ट्राम की आवाज़ आई वेट यहाँ पर ये रखूँगा यहाँ पर अपनी एंडर चेस्ट निकालते हैं एंड क्या मेरे पास ना एक ट्राइडेंट है इसमें चैनलिंग लगी हुई है चैनलिंग से क्या होता है कि अगर थंडर स्ट्रॉम में हम लोग किसी को मारते हैं इस चैनलिंग वाले ट्राइडेंट से तो उस पर लिटरली बिजली कड़क जाती है ट्राई करते कोई आसपास बकरा मिल जाएगा इस घोड़े पे ट्राई करते हैं एंड नहीं ठंडा स्ट्राम नहीं हो रहा मेरे कान बज रहे हैं वरना भी इस बुरा लिटरली पूरी बिजली गिर जाती है एंड अपना क्रीपर फार्म काफ़ी ज्यादा अच्छा चल रहा है इसमें मेनली गए हम लोग लो को ना एस के रहना पड़ता है या फिर इसके आस पास रहना पड़ता है तभी क्रीपर स्पॉन होता है एंड या ये तो मैंने जस्ट मेरे घर के बगल में इसलिए इसलिए हमेशा एक किसी क्रीपर स्पॉन होते रहते कभी कभार नहीं होते हैं कभी कभी होते कभी नहीं होते हैं एंड अपना शुगर किन जो ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है बट या अभी इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मेरे पास बोन मिल खत्म हो गया तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है ऐसे मैं कभी कभी इसे ऑन करता हूँ ये अपना आयरन फार्म तो बेस्ट है ही सो ये सब तो हो गया अभी मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है क्योंकि मैं बहुत लंबी मतलब बहुत लंबी एक्सप्लोर एक्सप्लोरेशन में जाना होगा मुझे, मुझे जाना है तो मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे धीरे सारा खाना चाहिए होगा मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी सो वो सब मुझे सबसे पहले कलेक्ट करना है तो मेरी एंडर चेस में फिलहाल कुछ पोशनस है नाइट विजन पोशन तो मैं रखूँगा क्योंकि क्या पता है मेरा माइनिंग करने का मूड हो तो फिर इसीलिए एंड अपनी सिल टच वाली पिक्स अगर ले लूँ या छोड़ दूँ ले लेते हैं भाई पिकक्स तो लेंगे क्योंकि तो एंडर चेस्ट रखता हूँ तो पिकेक्स चाहिए सिल वाली एंड रनिंग पोशन रख लेते हैं गोल्डन कैट ठीक है, है। शील्ड भी ठीक है फिशिंग रॉड रख लेते हैं और टेलीस्कोप क्या था स्पाई ग्लास हाँ वो भी रख लेते हैं भाई मज़ा आएगा एंड फूड में मैं कुकीज़ वगैरह और पॉकचॉप और गोल्डन कैट रख लेता हूँ कुकी से इतना कुछ होगा फिर रख लेते हैं और मैंने ये सब अपने एंडर चेस्ट में रख दिया है एंड एंडर पर्ल मैं सोच रहा हूँ ले लूँ मेरे पास थोड़ी बहुत एंडर पर्ल हैं एंड मैं ऐसे भी देखता हूँ मेरे चेस्ट में क्या क्या रखा हुआ है मैं क्या क्या और ले जा सकता हूँ एंड वेट मेरे को मेरे को जी मेरे को ऐसे ही होगा ऑफ सीटेंगे दो जब मुझे वापस लौटना है तो हम लोग नदर से ट्रैवल कर सकते हैं नदर से जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस हो जाता है इसीलिए तो मुझे कुछ ऑफ चाहिए था मैं बस फ़िलहाल तो ऑफसीडन है नहीं उतने तो अगर तुम लोग याद होगा मेरे घर के बारे में एक लावा पूल था जिसे मैंने बहुत पहले ही पूरा पानी से कवर कर दिया था तो आज मैं, तो मैं वहीं जा रहा हूँ जस्ट पास में ही है एंड मैं भी ये ट्रैडन क्लच सीख चुका हूँ बस थोड़ा बहुत मुझे और प्रैक्टिस करना है क्योंकि अगर ये फोन में ट्रेडन क्लच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिर भी मैं कर लेता हूँ एंड ये रहा अपना बहुत पुराना घट गया सा लावा पुल इसमें ऑब्सीडियन है थोड़े बहुत मैं इसे ही उठा लेता हूँ जल्दी जल्दी से जितना उसमें अपना काम चल जाएगा वैसे मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए कम से कम दस दस पंद्रह भी पूरे हो जाएंगे तो चलेगा वैसे भी रास्ते में मेरे को मिल जाएंगे तो अभी हम लोग वापस चलते हैं जो भी सामान जो बचा वो भी हम लोग ले लेते हैं एंड गाइस अभी मैं बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन पे जा रहा हूँ तो मेरा आर्मर कभी भी टूट सकता है इसलिए मैं पहले से पूरा फुल रिपेयर करके जाऊँगा इसलिए मैं आ चुका अपने एक्सपी फार्म में एंड यहाँ पर मैंने भर भर के मॉब्स मारे हैं उनसे एक्सपी ले लिया मेरा सेंचुरी भी होने वाला है नाइन्टी फाइव मेरा हो गया है एंड आखिर का जाने से पहले मैं सब मैंने सारे फार्म्स को मेरा मोटे सारे गोलेम को सारे पेट्स को बोरिंग से विलेजर्स को अपनी सारी दीवारों को बार बार मैंने देख लिया अच्छे से मन भर लिया कि भैया बहुत बड़े कम एटलीस्ट इस गेम के दो महीने मैं बाहर रहने वाला हूँ इस गेम के दो महीने जो कि बहुत ज़्यादा होंगे सो या मैं निकल चुका हूँ अभी अपने एक कासल के ऑलमोस्ट राइट साइड में देखते हैं मैं कितने न्यू न्यू स्ट्रक्चर्स मिलते हैं क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कॉन्ग्रेस जी हमें बायोम मिलती है एंड और भी बहुत कुछ वो देखो मेरे श्योर कन्फर्म यहाँ से भी दिख रहा था इतना लंबा मैंने उसे बना दिया है एंड भाई ब्लॉग्स की तो कमी नहीं है जब मैं जब अपनी फास्ट शब्ल को निकाल के आराम से ब्लॉग्स इकट्ठा से कर सकते हो एंड मेरा हंगर बार कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से डाउन हो रहा है पता नहीं क्यों अचानक ऐसे होने लगा एंड फ़िलहाल ये सवाना बायोम बहुत ज़्यादा बड़ी है मुझे ये वाली वैम एंड स्नो वाली वैम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है कुछ होता ही नहीं है इसमें करने को उतना एंड हम ट्राइन से एंड अंडरपर्ल्ड की मद से जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे फिलहाल आगे तो मुझे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैं थोड़ा बहुत बोर भी हो गया हूँ इससे मैं वीडियो बहुत ज़्यादा कट 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 करके कर, डाल कर 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 रहा हूँ एंड या इसके बाद ये तुमने भी देखा ये पता नहीं मैंने क्यों किया आइए से तो मैं बोर हो रहा हूँ भाई वन ब्लॉक की एम कौन करता है वेट आगे विलेज नहीं ये तो मेरी वाली विलेज है जाने का फ़ायदा भी नहीं है पानी उठा लूँ मैं पहले ओके okay, गाइस तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ ऐसे करते करते मैं एक जंगल तक आ चुका फाइनली एटलीस्ट बायोम तो बदली शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट देखते हैं रात हम लोग कहाँ पे गुजारते हैं एक केव है पर मेरा माइनिंग करने का मन नहीं है ये हाँ ये यह तो प्रॉपर जंगल में हम लोग जा चुके हैं पांडा मिल जाए मज़ा आ जाएगा मैं उन्हीं से खेलूँगा फिर पैरोट्स मिल जाए मैं उन्हें टेम कर लूँगा ना मस्त पूरे जहाँ यहाँ पर मैं वुड्स लाना भूल गया पर कोई नहीं मैंने जान मच गया मैंने वुड्स ले आया था मुझे पता है मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पर एंड यार ये कौन ये है ओसी लोड था शायद से मेरे पास बेड है ना हाँ मेरे पास बेड है मैं आराम रात का इंतजार तो हो ही जाएगा फिर मैं ऐसे वुड लेता हूँ वेट ये तो जंगल टेम्पल है सबसे फालतू स्ट्रक्चर चलो पहला स्ट्रक्चर तो मिला चाहे कुछ भी हो इसमें हमेशा फालतू ही लूट होती है पर यहाँ अभी शाम हो रही है मेरे को मॉप की आवाज़ आ रही है पहले मैं कैसे सो ही लेता हूँ सो के आराम से दिन करते हैं एंड उसके बाद आराम से चलते हैं भाई उसे लूटने के लिए वैसे पता है फालतू चीज़ें मिलने वाली है तो अगर अभी मैं आ चुका हूँ दिन होते ही बस यहाँ अंदर अंधेरा है कुछ स्कैल्टन है पहली चेस्ट में फालतू एंड यहाँ के ट्रैप्स लगता है एक्टिवेट नहीं है फिर इन लोगों ने सारे एक्टिवेट करके छोड़ दिए हैं एंड दूसरे वाले चेस्ट का यहाँ पे फालतू के लीवर्स हैं दूसरी वाली चेस्ट काफ़ी तो अंधेरा है आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा मेरे खुद नहीं दिख रहा है ओके okay, कभी छोटा सा स्ट्रक्चर है एंड या ये डिस्पेंसर खाली है जहाँ पे एरोज रहते हैं एंड या yeah, इस्टी फालतू चीज़ें वहाँ से मैं निकल चुका हूँ मेरा मेरा मूड ऐसे ख़राब हो गया कुछ मिला ही नहीं एक डायमंड तक नहीं मिला ओके okay, तो कभी जंगल पार करने के बाद वापस एक सवाना बयाम आ गई मेरा और मूड ख़राब हो गया भाई मतलब जो मैं नहीं चाहता हूँ में वही क्यों होता है एंड अब मैं तेज़ी से ट्रैवल करने के लिए एंडरपल का यूज़ कर रहा है एंड वही तो ये देखने एम एल जी भी कर रहा हूँ फिलहाल ये सवाना अब बहुत ज़्यादा लंबी है एंड अब बार ये ट्राइडेंट यूज़ करने की बस एम एल जी हर बार हो जाए हाँ चलो मैं ऐसे में प्रो तो हो ही चुका हूँ पहले मेरे को कुछ नहीं आता था पर बाद में जब मैं हमेशा हो जाता हूँ सुबह वही नॉर्मल जानवर मेरे को देखने को मिल रहा है पे पहाड़ वहाड़ है और कुछ एक्स्ट्रा तो अभी तक दिखा है नहीं मुझे मेरे को ऐसे अभी तक डेजर्ट नहीं मिला डेजर्ट वाली बायम और मैसा बायम ये दोनों बायम मैंने अब तक एक्सप्लोर नहीं की है अभी एंडरपल में फेंक नहीं पा रहा हूँ पेड़ अटक रहा है बार बार और पानी में गिरी एंडरपल आई गेस हम लोग किसी ओशियन में आ गए हैं क्या मे बी या फिर कोई रिवर है आई गेस ओशियन है हाँ शायद हाँ ओशियन शायद से और एक काफ़ी बड़ा पहाड़ है डर्ट ला के मैं ऊपर चढ़ता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई कोई स्पेशल एनिमल क्या मुझे कोई स्पेशल मो भी दिखा दो तुम लोग कुछ भी नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल एंड हमें नीचे उतरते हैं एंड और मैं कुछ एक्सप्लोर करने का देखता हूँ फिलहाल यहाँ पर मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है पर यार मेरा हंगर बड़ा बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है यार ये मेरे को पता नहीं क्यों आई गेस मेरे को फूड की बाद में कमी हो सकती है पर कोई नहीं मैं बना लूँगा बस मेरे को एक चीज़ की दिक्कत हो रही है बस मेरा आर्मर ना कमज़ोर हो वैसे मैं कुछ कुछ इंचमेंट बट लेके तो आया हूँ बताया वो कब तक ही चलेंगे फिलहाल ये सवाना बयान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है एंड यहाँ पर वापस एक और ओशन आया है एंडर पर यूज करके बहुत लंबी जाने वाला हूँ उस पर सीधा ओशन में बोट बनाते हैं हम लोग चलते हैं एंड यार मैंने अपनी बोट बना लिया एंड मैं ओशन में आ गई और चलता जाता हूँ देखते हैं, लो कहां हैं हम लोग कहाँ पर पहुँचते हैं फाइनली मैं आराम से जा रहा हूँ भाई बोर्ड पर भी उबरा के एंड कैसे हम लोग यहाँ पे एक और जंगल में आ चुके हैं ओशन पार करते हैं एंड भाई यहाँ पे मैं ट्राइडेंट से उड़ नहीं पा रहा हूँ इतने सारे पेड़ है मैं क्या बताऊँ कुछ जाते हैं डेंस जंगल है फ़िलहाल एंड्रपल का हम लोग यूज़ करते हैं ट्राइडेंट तो कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है भाई हर जगह ऐसे नज़ारा ऐसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो आ रहा है मैं यहाँ से एंड्रापल्स लिखता हूँ भाई बहुत लंबी जाएगी सीरियसली देखते हम लोग कहाँ पर आते हैं, हैं। एंड मशरूम ओ भाई वुड लैंड क्या लक है ये हुई ना बात ये इसको बोलते हैं भाई डायरेक्ट जंगल टेम्पल से वुड लैंड मिल गया भाई मेरे को ओ भाई बट या एक सेकेंड ये मेरा वाला है क्या क्योंकि तुम लोग याद होगा मेरे मैंने भी एक बार एक वोलन मशीन को ढूंढा था ये वही वाला तो नहीं है मेरे कोऑर्डिनेट्स याद नहीं है कोई नहीं अंदर चल के देखते हैं वैसे अगर मेरा वाला होगा भी तो नॉर्मल से वुलर मशीन में इवोकर इंडिकेटर वगैरह स्पॉन होते रहते हैं तो अगर वहाँ पे इवोकर हुआ तो भाई एक कारोटे मिल सकता है एंड यार इस बार मैं तुम लोगों को पूरा दिखा भी दूंगा भाई कैसा होता है पूरा वुलन मैंशन अंदर से पूरा मैं तुम लोगों को पूरा इसका इंटीरियर दिखा दूंगा ऐसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है पूरा डार्क वो क्लॉक से बना होता है एंड मैं तुम लोग को इवोकर के मूव्स भी दिखाऊंगा कैसे वो वैक्स छोड़ता है कैसे अपने वो आयरन के निकालता है ज़मीन के अंदर से एंड मैं सोच रहा हूँ ना इसमें ना आग ला के जाते हैं पूरे मैंशन में मस्त मज़ा आएगा भाई जो सीन होगा ना पूरा जलता हुआ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा फिलहाल यहाँ पे पहले मैं कहीं से कहीं से तोड़ के घुसता हूँ ये यह मैं यहाँ की विंडो तोड़ लेता हूँ ये यह तोरी यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स हैं कि ये एक रूम है आई क्या सर मेरे सबसे टॉप वाले फ्लोर पे हैं यहाँ पर तो फिलहाल नॉर्मल रूम है यहाँ पर ये छोटे मोटे जॉम्बी वगैरह जो हर वक्त तो उस पर होते रहते हैं मैं ना नोकर से ना ही मैं ईवोकर जितना मैं रवेंजर किसी से मैं उतना डरता नहीं हो बस मैं एक से बहुत ज़्यादा डरता हूँ वो है विच बस वो ना सामने आ जाए बाकी सब कुछ ठीक है भाई व्यू वो अगर सामने आ गई तो मेरी बैंड बच जाएगी बाकी मैं किसी से नहीं डरता और यहाँ पे कैट के स्टैचू बनी हुई है वूल से भाई वूल इनके पास बहुत है शीप शीप इनके पास आती कहाँ से है एंड या इस सबसे टॉप फ्लोर तो थोड़ा सा छोटा होता है बट या यहाँ पर कुछ उतना मेन है नहीं हम लोग इस, इसके नीचे वाले फ्लोर पर चलते हैं बस यहाँ पे बुक्स वगैरह है नॉर्मल डाइनिंग रूम वगैरह है एंड कुछ नहीं है okay. ओके फिलहाल मैं टॉर्च लगा के देखता हूँ यार नॉर्मल रूम ही है इसके नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं पूरे मेंशन में है स्केल्टन तू ही मेरा इंतज़ार कर रहा था हाँ ये जो मिडिल वाला फ्लोर है इसी पे होता है ईवोकर एंड यह गाइस ये, ये, ये मेरा वाला ही है देखो ये टूटा हुआ है या इसकी मेरा वाला ही है बट उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरा वाला हो चाहे ना हो उल मेंशन में इवोकर स्पॉन वेंडिकेटर वगैरह होते ही रहते हैं तो मैं बहुत दिन बात आ रहा हूँ आई होप यहाँ पे कोई इवोकर हो एंड यस मैं उसी वाले फ्लोर पे हूँ जहाँ पे इवोकर होता है तो किसी भी रूम में मेरे को मिल सकता है यहाँ पे इन लोग का बेडरूम वगैरह है ये सब तो ठीक है यहाँ पे एक्सपी दुआ है जी गिरी हुई जो मैं सबको लास्ट टाइम मार के गया था वही सारी एक्सपी है एंड इस वाले रूम में अंधेरा बहुत है यहाँ पे इन लोग का वही टेबल वगैरह हॉल बना हुआ है ऑलमोस्ट मैंने पूरा फ्लोर चेक आया भाई मिल गया मिल ही गया इसी को तो मैं ढूंढ रहा था इवोकर भाई साहब पूरे मेंशन के मालिक इसके तुमने अटैक देखा कैसे ये अंदर जमीन में जैसे लोहा निकलता है इसको इसको मारने के बाद कीजिए तो ऐसे दो सेकंड में मार सकता पर तो मैं तुम लोग को दिखा जाता हूँ कैसे इसके मूव्स होते हैं पहला मूव तो भाई ये रहा परिशर मिला बहुत है तुरंत भाग जाता है देखो ईशा तरफ क्या वैक्स छोड़ने वाला है जो बहुत खतरनाक इसके चेले चपाटने भाई ये देखो तीन तीन इसने वैक्स छोड़ दिए इनके पास स्पेशल पावर होती है कि ये किसी भी वॉल किसी भी ब्लॉक से आर पार हो जाते हैं फिलहाल ये हुई चिंदी पिंदी से एक शोट मेरे लग गए ना बहुत खतरनाक है ख़त्म भी तीन शोट में तीनों या कुछ गेमर्स इससे इनसे डरते हैं बट यार मैं नहीं डरता इससे मेरे लिए चिड़िया लोग हैं कहाँ गया, गया भाई छुप के कोने में बैठा अब निकल अब निकल एक शॉट दूसरा दुस, शॉट लगा बस ख़त्म एंड इसके मरने के बाद मिल गया हम लोग को टोटम ऑफ एंडाइंग लेट्स को यही था एंड निचले फ्लोर में अपने वही चिंदी पिंदी इंडिकेटर्स मिलेंगे विच वगैरह मिल जाएगी एंड या क्रीपर वगैरह छोटे मोटे एंडरमैन इससे भी पंगे लेते हैं कहाँ गया ले भाग गया डर प्योग कहीं गए नीचल फ्लोर का तुम लोग पता ही है उसमें उसमें तो सब कुछ खाली होता है एंड कुछ कुछ रूम में गए चेस्ट वगैरह होती है जो कि पूरी की पूरी खाली रहती है एंड कुछ कुछ रूम में गए ये लोग फार्मिंग करते हैं पम्पिंग या सै, फिर फिर सैपलिंग लगी हुई होती है एंड कुछ ही नहीं बस इतना ही रहता है पूरा फालतू है बाहर से देखने में मस्त है इंटीरियर में रूम भी मस्त है बट कुछ है नहीं भरा खोखला है यहाँ पर तो कुछ भी क्रीपर भाई साहब आ जा आ जा ऐसे मैं इसको मार क्यों रहा हूँ फूट नहीं ऐसे भी मैं इसमें पूरा आग लगा के जाने वाला हूँ पूरा फ्लिट और स्टील में मार दूंगा एंड यहाँ पर ये क्या है शायद ये इन लोग का मीटिंग रूम है लावा वगैरह यहाँ पे बाहर में जाए और गए अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे आग लगाने तो मुझे चाहिए होगा फ्लिंट एंड स्टील तो यहाँ पे कैसे के वे मुझे कोल वगैरह तो यहाँ पर दिख गया है फिलहाल इन स्लाइम को मार के मैं आगे बढ़ता हूँ मैंने नाइट विजन का पोशन पी लिया है यहाँ पे कैसे मेरे को आगे आगे चल कर आयरन भी मिल गया है फिलहाल यहाँ पे कुछ जॉम इनकी भैंस की पिटे जाओ कि फालतू अब क्यों आ रहे हो यहाँ कैसे एक लश केव मिले मेरे को पहली बार काफ़ी है ये ब्यूटीफुल होती है पर मैं इसके उतना अंदर डीपली गया नहीं बस मेरे को जल्दी जल्दी से यहाँ पे कहते मेरे को ग्रेवल भी मिल गया था रस्ते में और मेरे पास फॉर्चून थ्री की नेदराइड शवल है मेरे को भर भर के फ्लिंट मिल गया एंड देन मैंने आयरन को अपने स्मेल्ट किया एंड ऑलमोस्ट पाँच फ्लिंट एंड स्टील बना लिए एंड चला गया पूरे मैंशन में आग लगाने के लिए भाई इतना मजा आया था ना मैं क्या ही बताऊँ पूरे मशीन में मैंने अपने हाथों से आग लगाया था भाई बट इसकी आगे एक दिक्कत होगी मैं चाहता था कि भाई तुम लोग को मैं पूरा टाइम लग दिखाऊँ पूरा सीन दिखाऊँ पूरा जैसे जलता है बट या मैं ये सब कर मैं ऐसे जला कैसे से जो है छोड़ के चला गया था लेकिन जब मैं आधे घंटे बाद वापस आता हूँ तभी आग बुझ चुकी थी देन कुछ ढूंढना करने के बाद मुझे पता चला कि क्राफ्ट मैन फोर में आग फैलती ही नहीं माइंड क्राफ्ट होता तो अब तक पूरा जल के राख हो चुका होता बट क्राफ्ट मैन फोर में आग उतना फैलता नहीं है इसलिए पूरा नहीं जल पाएगा जितना मैंने आग लगाया था थोड़ा वो जलेगा एंड देन रू रुक जाएगा तो इसलिए पूरे मैं आगे नहीं लग पाई सो so, बची गई ये मेंशन बट बाद में इसे जरूर उड़ाऊँगा तो या उसके बाद तो मैं आगे निकल गया एंड मेरे को वीडियो एंड करने का मन था बट मेरे को एक न्यू बायो मिल गई यस स्वैम्प बायो इसलिए मुझे अभी स्वैम्प बायो में दिखा देते हैं उसके बाद एंड करेंगे एंड देन मैं इसी स्वैम्प बायो आगे निकलने लगा एंड देन मेरे को आगे सामने कुछ दिखा तो मैंने सोचा भाई चलो पिलर अप करके देखते हैं एंड जब मैंने पिलर अप किया तो वहाँ पर मेरे को लिटरली दिखा एक विच का घर यस विच हाउस विच हाउस भी गए नॉर्मली स्वयं बाय में मिलता है एंड जब मैंने उसे स्पाइक ग्लासेस जूम किया तो लिटरली वो वही था वही थोड़ा तो मैं डरा भी बट मैंने सोचा चलो पहले सुबह कर लेते तो हैं उसके बाद चलते हैं तो क्या गाइस भी सुबह हो चुकी है मैं यहाँ चला गया एक काम करते हैं ना उसकी ब्लैक कैट भी पहले इसके छत पर मैं लैंड करता हूँ सामने सामने जाऊँगा तो मेरे को पक्का पेल देगी फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ चुपकी चुपकी मैं देखता हूँ देख भाई देख रही है ये मेरे को मारेगी ऊपर ऊपर वैसे मैं सेफ ऊबर कुछ मेरा बिगाड़ सकती है उसकी ब्लैक कैट भाई मेरे को ले जाने का मन है फिलहाल यहाँ पे नीचे अंदर जा अंदर, भाई पीछे कितनी चलाक है शिट मेरे को पॉइजन दे दिया इसने मैं गया भाई अभी शिट ऐसे हाथ में मेरे टोटे तो है बट फिर भी यार मेरे कुकी खाना होगा जल्दी भाई एक और पोशन ना फेंक के मारे वरना मैं गया शिट हाफ हाट पे हूँ आराम से आराम से एक आइडिया मैं पिलर कर देता हूँ यहाँ पे रहूँगा तो पक्का मेरे को किल कर देगी चलो अभी मैं सेफ हूँ एकदम था मैंने पिलर बना के मैं उसके डिस्टेंस में आ चुका हूँ ऐसे भी आप इफेक्ट जाने वाला है इसकी भैंस की रुक जाते बता हूँ ऐसा मारूंगा ना तो नदी में गिरेगी एक और शॉट खत्म और ये गाइस गए कुकी इतना हेल्थ बढ़ाता भी नहीं है मैं फालतू तो में से लेके आ गया पम्पकिन पाई वगैरह वगैरह ठीक था एंड अभी तो कोई दिक्कत है नहीं अभी ये गाइस ये मर चुकी है अच्छा हुआ मर गई सो या अब टाइम आ चुका है वीडियो को एंड करने का कैसे घर में उतना तो कुछ खास तो था नहीं बट या आज इस वीडियो में इतना ही मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और भी आगे एक्सप्लोर करता रहूँगा सो या अगर तुम लोग वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर से कर देना एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी मोस्ट ऐसे ही मस्त और वीडियोस के लिए सो यार तब तक के लिए बाबा एंड टेक केयर